simple. Kaya huwag ka tanong ko lang yung tao na sa sili. At taking, ang tatadilas, nabay ka na tatadilas, kaya lang nagtotan.
जितना लोग आप लोग बानी भैया हमारा आप लोग सुनी बेटा ना बाकी ये कहानी का आप लोग सुनी आप लोग सोचे बम मजबूर हो गए पर कैसे लोग है दुनिया में भी बारन गदर के लाइन में कैसे मार ये गदर के लाइन में कैसे दिल है काबा खूबसूरत इतनी खूबसूरत है उदू बही रही
बड़की बहन के शादी भइल जौना लड़का के नाम जौना दुल्हा के नाम संदीप बतावल गेल बड़की बहन अपने ससुरा गई खुशी खुशी जिंदगी बीते लागल समय बीतल लेकिन संदीप के ससुरारी में आना जाना लागल रहे एक दिन भोरही के समय बा हो गया संदीप अपने ससुरारी अइलन उनकर साली मोनिका अपने जीजा संदीप के पास पानी लेके गई पानी देने से बगलिया में बैठ गई संदीप कहल कि मोनिका ठीक बाड़ू ना मोनिका कहे लागल ए जीजा अल्लाह बने थे वो चित बदले के आवे खातिर गुरु जी चित बदले के आवे खातिर परेशान हो गई कलश के जीजा सुना एक बात कही संदीप कहल कि मोनिका का बात बा कहा कल जाना तो वो रोज सपना देखीला रोज वो सपना देखीला हमार शादी अगर तू ऐसे हो गई हो आए भाई भी हो जाए तो खुशी खुशी जिंदगी बिता लेते संदीप मोनिका का हाथ पकड़ कितने लग गए बैठे बस क्लस की मोनिका अरे पगड़ी जो बात हम तो से कहल जात रहे वो बात तुमसे कहत बड़ी मोनिका बड़ी खुश निकल अरे बा एकर मतलब तू वे सपना देखत रह जौन हम देखत रह संदीप कौन कह मोनिका हम एक महीना में 10 बार आई ना जाईला खाली तोरे मारे खाई तो के देखे आईला क्या कि तू बात कैसे तू ठीक बानी ना मोनिका कहे लागल तो जब देर मत कर चल हमसे बियाह करो संदीप बोल कि ना मोनिका इतना जल्दी कोनो फैसला नहीं लिया जाला ए भैया ए लड़के भैया संदीप पहला कर क्या मोनिका इतना जल्दी कोनो फैसला नहीं लिया जा रहा दो चार दिन बीतल आपस में विचार कैलन दो चार दिन बीतते बीतते संदीप और मोनिका फरार हो गईलन गईलन कहां हरियाणा में पंचकुला में जाकर रहे लगलन संदीप कहन कहे मोनिका देखो अगर कोनो बढ़िया वकील मिल जाइए तो तोरे दीदिया के तलाक दे को करीब आ तो से बियाह करो मोनिका पढ़ निकल रहे बड़ी समझदार है बड़ी सुघर रहे तलाश की देरी मत करा तो कोनो बढ़िया वकील बिना बतियावा अपने दीदिया के तलाक दो तो करीब आ तो से बियाह करो पंचकुला में वही पंचकुला में मनमोहन वकील साहब होत रहे संदीप लेके वही वकील साहब के पास पहुंचल कलश के मोनिका देख तू पढ़ो लिखल बारी तू जात बतिया बतिया लिए देख हम ट्रक ड्राइवर है हमके खाली गाड़ी चलावे हैं हाँ बतिया में ना आवे ना चल तू ही बतिया मोनिका गई वकील साहब के ऑफिस में गई वकील साहब बैठल बाड़न मोनिका पढ़ो लिखल बड़ी समझदार रहे वकील साहब बोलो प्रणाम कर दो साहब प्रणाम एक बार ना दो बार कलश साहब प्रणाम मैं अंदर आ जाऊं तब इतना बतिया वकील साहब सुन वकील साहब की नजर मोनिका को गई हो गई अचानक मोनिका को गई हम कल ही ना कि कुछ मर वैसे हो जदी ताके ना ना अगर ताक दे जाना के खतरे हो संदीप बाहर खड़ा बा मोनिका जा वकील साहब से बतियाओ लेकिन गीत लगा मास्टर गीत कवर ना Thank you.
सम्मान किए गए बुजारत राजभर जी सरैया के धरती से आपके ओर से सम्मान आया है। नमस्ते प्रणाम आपको ये भैया हो लेकिन वकील साहब मोनिका के जैसे की जो बात करने का साहब कर घरे मोनिका तू इतना खूबसूरत इतनी पढ़ लिखल अरे पगली इतनी खूबसूरत बनी अजा तेरे ड्राइवर से भी आकर पागल पगल बनी जमाने के लोग बाली नहीं कल लोग यह कही कि देखा ड्राइवर बाबू यह जाती है कहां गए ड्राइवर बाबू अगर तोर बियाह एक वकील से हो जाए तो जमाने के लोग कहीं वकील साहब के मेहरारू हो बड़ी सम्मान बड़ी कदर मिली मोनिका तुरंत निकलस कल साहब आपको बात उनके समझ में नहीं क्या का कह बनी साहब बोले क्या मोनिका है ले जा हमर काल ए तुम्हार नंबर बस समझ में आई तो फोन करी हम मोनिका कल संदीप के पास बस का हो कहां ले कहीं ना लो ये किला बड़ी गंदा आदमी भाई ये बतावा ना हम अपन परेशानी बतावा देंगे अपन परेशानी बतावा बा संदीप पण की मोनिका का भई घर लिया का पूरा बात बतावस मोनिका पूरा दिन बितल हो गया रात भर खाना खा के सुतल का ओकरी मन में अचानक ख्याल आई का ख्याल मास्टर गीत लागल गीत कौन तेरी के भाव में मोनिका के मन में ख्याल आई मन में सोचे लागल वकील साहब कहल की तुलबिया है वो ड्राइवर से होई तो जमाने के लोग गाली दे ताना नहीं
अगर तोर बिया एगो वकील सो जाए तो बड़ी इज्जत बड़ी सम्मान मिली। कोई रतिए में वकील साहब के पास फोन लगौलस, करस साहब हम मोनिका बोलत बानी। साहब कहन कहे मोनिका इतनी राती को फोन आइल जान गली तुहार फोन बा, हमार बात ओके समझ में आ गई। कल हम की सुबह में हमसे बात करी हम तेरी कहे कैसे निवरिया मोनिका और वकील साहब से धीरे धीरे प्यार करने लगा। ओकरी मन में ये रहे कि अगर हमारे बिया वकील से हो जाए तो बड़ी धन दौलत मिली, बड़ी सम्मान मिली। और डेली वकील साहब से लागल बतियावे, रोज बतियावे लागल। समय बीतने भैया वकील साहब कलन के है मोनिका सुना अब तू हमारे घर चला। मोनिका इतनी खुश भई, इतनी खुश भई। रसे वकील साहब ये बात के इंतजार में अब तैयार खत बनी चले कि हम चलब। वकील साहब मोनिका के सुबह के टाइम अपने घर लेके गइलन। जब घर वकील साहब पे गई देखा तो द्वारे बुढ़ो दादा बैठल बारन। पैसा रखत भाई साहब इके बैठल बा। साहब कहल कि मोनिका मार पिताजी हो जाके प्रणाम कैलस। तब तक वही घर में से दुगो छोटी छोटी लड़का दौड़ के अइलन हा। मोनिका कहलस के साहब ई लोग के बा। वकील साहब कहल कि मोनिका ये हमार दोनों बचवन निखिल और थन में उसमें कुछ ना बोले। दोनों बचवन के गोद उठा के अपने सीने से लगा के घर के अंदर गई। घर में गई हो भैया देखो तो बड़ी खूबसूरत बुलहिन। कहल साहब ई के बा। वकील साहब कहल कि मोनिका हम ना बता पौनी ये हमार मेहरारू रजनी। कस गई देखा वकील साहब तो मेहरारू बा हमसे बतावत नहीं रहे लेकिन मोनिका वो बात के भुला गई। वकील साहब के मेहरारू के पास गई बड़ी प्यार से जाके मिलन। यहाँ तक दोनों सहेली बन गई। वकील साहब के मेहरारू बड़ी स्वागत सम्मान कैली यही मोनिका के। समय बीतल अब दोनों सहेली बन गई। अब दोनों एक दूसरे के बिना रह ना पावत रही। जितना वकील साहब से ना बात होते उतना वकील साहब के मेहरारू से मोनिका बात करे। एक दिन वकील साहब के मेहरारू रजनी मोनिका से अपने दिल के बात बतावे लागल। माकल गीत लागल गीत कवन बा हमरा तो हरा पे साड़ियाँ पे हवाई राज।
लेकिन शाम के मेहरान बजनी मोनिका से कहता का है कहे राजानी ना बाबे चाचा ना बाय सखिया सम्मान किए गए सैयद सैयद म्यूजिक कंपनी के ओर से एकदम ये आपकी ओर से सम्मान आया है। नमस्ते प्रणाम आप लोगों के नमस्ते प्रणाम बा मोनिका रजनी बतियाला लगली रजनी कहला लगल गए मोनिका देखा है बाबा काम कर एगो साड़ी लिया बने हुई का मैचिंग का ब्लाउज पेटकोट चाहत बा पुलिस के रे पगली इतनी सा काम खाती इतना लोग परेशान के लिए ठीक आप जा बार जरूरत सामान लिया दे रजनी मोनिका ये आपस में बतियोली हा मोनिका अपने रूम पर गई रात भर हो गया ओकरी मन में ख्याल आई कि रजनी एगो बात कहे रजनी एगो बात कहत रहे कलश के साड़ी पेटकोट ब्लाउज चाहिए काहे ना वही बाने अपने को काम कर ली तो कहो विदेशी हम कैसे माफ कर रजनी के बात सुने मोनिका मोहनिया हो जाई मोर सपना कोई रतिये में मोनिका संदीप जब बोलो डाल के दे रहा बस कलो के सुत बा भइले ई बतावा हम से बियाह करबो कि ना करबो संदीप बोल रहे मोनिका ए संदीप बोल रहे मोनिका ये तनी रतिया के तो के बियाह कइले के नशा धर देलस बियाह करे खातिर ते हिया लेके आई बोल तब कल समारे को काम करो कहत तो कैसे संदीप से मिल फिर यो जतना बनव लसी हो धोखा रतिये में संदीप से कहे लागल कि सुबह हो तो एगो गाड़ी लेके आई हो चार पहिया गाड़ी लेके आई हो संदीप बोल के कहीं घूमे जेबी कलश की जवन कह तई उतने कर सुबह भई संदीप एगो सफेद कार लेके आई मोनिका जितनी सुबह इतनी चलाक भी रहे आपन मोबाइल घरे छोड़ कलश गाड़ी में जाके बैठल संदीप गाड़ी लेके मार्केट को चलल मोनिका रजनी के पास फोन लगावे चाहत बा लेकिन मोबाइल बा नहीं कहले का कहे के पड़ल एक रिक्शा वाला के मोबाइल से फोन कई लसी साड़ी लेके सखी आज अच्छा एक रिक्शा वाले के बुला के कलश कह जैसा तन अपन मोबाइल में जरूरी फोन करे बा तुरंत रिक्शा वाले के मोबाइल लेकर रजनी के पास फोन कइलस रजनी के पास फोन गइलो भैया रजनी फोन उठौली हो मोनिका कह लगल कह रजनी हम मोनिका बहुत बड़ी तोर जरूरत के सामान लियाई कि ना लियाई ओ समय रजनी अपने दोनों बच्चों के निखिल और तन्मय के स्कूल जाए खातिर तैयार कर रही कली के
मोनिका हमार ब्लाउज पेटीकोट ले आई। तो मोनिका कहलस की जल्दी आवा, जल्दी जल्दी में रजनी भी अपन मोबाइल घरे छोड़ के आ जा। मोनिका बोललस वहां रजनी पहुंचल रे, जाके गाड़ी में बैठल तो कहे के पड़ल गाड़ी में बिठाए रसरी घर में फसाए खींचे। रजनी के गाड़ी में बैठल मोनिका और संदीप। संदीप गाड़ी लेके दूर गई एकदम सुनसान जगह पे। रजनी क्लास करे मोनिका हमन कहाँ आई बने जा रहे पगली बाजार पीछे गई कहाँ आई बने जा। मोनिका कहे लगल के रजनी वैसे तो के वकील सब कोई घूमे ना देवे हम तो चले आ तो कहीं वहां में घुमा दही। रजनी कहे लगल की बार मोनिका तोर सोच कितना अच्छा बा। लेकिन कुछ देर बीतला के बाद संदीप और मोनिका रजनी के गोद में रसरी फंसा के एक तरफ से संदीप और एक तरफ से मोनिका खींचे लगल। रजनी मोनिका के पैरवा पकड़ के रवे लगल अरे मोनिका तो क्या अपन छोट बहन मानी ना हमार निखिल और तन्मय एक मिनट हमरे बिना जी नहीं पे। मोनिका और संदीप के दिल में दया नाम के चीज नहीं बा। कहे लगा गाड़ी में बिठाए रसरी घर में फसाए खींचे आखिर दोनों मिलकर रजनी के जान से मार दिलन। यहाँ के बाद थोड़ी समय बीतल जब निखिल तन्मय स्कूल से घर आइलन अपने मम्मी के खोजे लगन। वो दोनों बचपन के डेली आदत रहे अपने मम्मी के हाथ से खाना खिला के बैठ के जवाब बन मम्मी कहते हैं भैया रजनी कहे लगन निखिल और तन्मय अपने मम्मी के जवाब लगन अपने रजनी के अपने मम्मी के जो है ना मम्मी आई तो खाना खियाई अपने दादा से कहले दादा मम्मी कहाँ गई खेले गई। बड़ो दादा कहल कि बेटा खाना खा ले लो मम्मी आ जाई बाजारे गई ब्याह। धीरे धीरे शाम हो गई लेकिन रजनी के पता नहीं चलल। दोनों बचवा दुआरी बैठ के अपनी मम्मी की जवाब मम्मी आई तो खाना खाई जाई। बचपन की आंख में आंसू आ गए कि बताओ मम्मी आज मन के खाना ना खिए बस बाजारे चल गई। दोनों बचवा जो है कैसे गीत लगल मतारी के ममता कितना महान होला हो भैया चाहे हमार माई हो चाहे आपके माई हो माई तम माई ही होली। दोनों बच्चों अपने मम्मी के जुबत मरण कैसे Thank you.
दूगो बचवा मम्मी के जवाब जवाब परेशान और मम्मी के जब पता नहीं चलल तो अपने मम्मी के मोबाइल से अपने पापा के पास वकील साहब के पास फोन लगवलन दूगो बचवा कहलन पापा मम्मी तोरी पास ना गई बा वकील साहब पर कि ना बेटा मम्मी यहां का करे आई दूगो बचवा रोने लगलन वकील साहब मोबाइल सुन के घरे आइलन पैर पकड़ के रोने लगलन पापा रात हो गई लेकिन मम्मी ना आई मम्मी कहीं घर छोड़ के ना जाले कैसे कैसे सुबह भई लेकिन रजनी के पता नहीं चलल जितना नाप रिश्तेदार लोग रहल सबके पास फोन लगल लेकिन रजनी के पता नहीं चलल चार पांच दिन बीत गए रजनी के पता नहीं चलल भैया वकील साहब दोनों बचवन के लेके वही पंचकूला में थाने पे जाकर दरोगा जी के आगे हाथ जोड़ कर रोने लगल कहलन कि भैया साहब चार पांच दिन हो गए रजनी के पता नहीं चलल दोनों बच्चा दौड़ के जाके दरोगा जी के पैरों पकड़ के रवि साहब हमारी मम्मी के कहीं से पहुंच के लिया था हमारे मम्मी ना आई ना हमन के मर जा दे दरोगा जी के भी आंख में आंसू आ गए वकील साहब बहुत बड़ा दरोगा जी कहने वकील साहब आप रोएंगे तीन बच्चों को कौन संभालेगा वकील साहब बहुत मजबूर बहुत लाचार बड़न लेकिन दोनों बच्चा रोके वो बात करो ना कैसे मोबाइल घरे बा तुरंत दरोगा जी मंगवा के कॉल डिटेल में देखे लगलन सबसे ज्यादा बात मोनिका और रजनी में होत रहे डेली बात होत रहे दरोगा जी कहलन वकील साहब मोनिका कौन है वकील साहब रोए लगल कहलन कि साहब ई दोनों सहेली रहली है बहिन के जैसे रात रहली है मोनिका के भी बहुत तबीयत खराब है रोवत रोवत ओकर बहुत तबीयत खराब हो गई साहब परेशान भी मोनिका जब नया नंबर मोबाइल में देख लन तुरंत तो नंबर पर फोन कैलन फोन गेल कहा रिक्शा वाले के पास साहब अपना परिचय देलन जब अपन परिचय देलन वो रिक्शा वाले कहे लगल साहब हम गरीब आदमी मजदूर करी मजदूरी करेला रिक्शा चलाई ला साहब साहब कहलन की दो मिनट के लिए थाने के अंदर आ जाओ रिक्शा वाले कलस के आखिर हमार गलती नहीं थे तो काहे बोले थाने बुलावत वाले साहब बुलावत वाले लेकिन रिक्शा वाले मन में सोचे लगा जब गलती नहीं की कहने तो गैला में का लगत बा वो रिक्शा वाले थाने के अंदर आई
साहब कौन लगे पूछ लगे ये बताओ नंबर कहां से तुम्हें मिला कहां फोन लगाए थे कहो साहब ये नंबर के करबा कैसन बा हमें नहीं मालूम बा साहब एक दिन हमरी मोबाइल से लड़की फोन कैलस कहां बतेलस हमें नहीं मालूम बा साहब कौन तुम बैठ जाओ बैठो दरवाजे तुरंत मोनिका के पास फोन लगा कौन की मोनिका दो मिनट के लिए थाने के अंदर आ जाओ लगा कह रहे कल साहब मेरे पास हिम्मत नहीं बा जब से रजनी गई हम के खाई पियल छूट गई साहब बड़ी परेशान बनी जा साहब बोल की मोनिका जब तुम नहीं आओगी तो हमें पाना पड़ेगा बस नहीं साहब हम आवत बनी रिक्शा वाले जब लड़की का आवाज सुनलस तो कर बने की के रवत बा आई देखलस पहचान गई दौड़ गेल करस के साहब हमरी मोबाइल से ये लड़की बतियोला सका बतियोला समय नहीं मालूम बा साहब हंसे लगल निकले मोनिका कौन का कैसे ना बन गई हाल बा तो ये लोग तो बैठल भाई यही से कुल साधु पगला गए बा और का जितना संत बन उसे बुलान थे ये कुछ देख के जब वो लोग ऐसे बात कमान कर झूठ बात तके कहीं पर कोई स्वास्थ्य लेके के कोई यापन कहे दरवाजे नहीं वकील बात है अब मोनिका कोई संदीप को बिंदु में जाना नसिया लेके लो मध्य प्रदेश ले ले वो लोग पकड़ के आई जेल भाई दरवाजे के लिए जा साल लगे बिया करी है आखिरी बात कहे पर कैसे गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा